हेलो गाइस, पहचान रहे हो इस शक्ल को? पहचानते हो भी हो अभी इस शक्ल को? मैंने सोचा था इंट्रो थोड़ा सा अच्छा दूंगा भाई, बहुत टाइम के बाद बना रहा हूँ वीडियो, तो वीडियो भी बहुत टाइम के बाद आ रही है और फेस वीडियो तो भाई उससे भी बहुत ज़्यादा टाइम के बाद आ रही है। तो मैंने सोचा था यार इंट्रो थोड़ा स्पेशल करते हैं, बट एंड तो तू स्पेशल नहीं होने वाला, मेरे को अपने पुराने इंट्रो के साथ ही जाना चाहिए। ठीक है, तो चलो अपना पुराना इंट्रो ही शुरू कर लेते हैं। हेलो गाइस, तो की हाल चाल तुम लोगों के? उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस यार, बहुत ज़्यादा टाइम के बाद, लिटरली आई थिंक ये क्या 1.5 साल के बाद यार वीडियो आ रही ये वाले चैनल पे। बीच में आई थी वीडियो, बट वो वाली वीडियो हमारी सेकंड चैनल की थी, ठीक है, जिसमें मैं कभी कभार वीडियो डालता रहता था, न्यू वीडियोज जब भी मन कर रहा था उस टाइम पे डालता था उस पर वीडियोज़। तो ये वाले चैनल पे वीडियोज़ नहीं आ रही थी बेसिकली। लास्ट टाइम जब वो जो वीडियो आई थी वो आर्क सर्वाइवल की वीडियो थी, तो उसके बाद कोई भी मतलब वीडियोज़ जो भी आई है वो सेकेंड चैनल पर मैंने यहाँ पर डाली थी। बट अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए वाली वीडियोज़ भी मैंने डिलीट कर दी। रीज़न तुम लोगों को पता ही है, चैनल डीमोनेटाइज हो चुका है। उसके अलावा एक और रीज़न है जिसकी वजह से चैनल डीमोनेटाइज हुआ है, अभी के लिए फ़िलहाल के लिए उसको छोड़ देते हैं। ये वाली सारी चीज़ें चलती रहती हैं भाई, अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। तो आज के लिए, फ़िलहाल के लिए यार, आज का जो वीडियो होने वाला है हमारे एक न्यू गेम पे होने वाला है। आई होप तुम लोग को आज का वीडियो पसंद आएगा, जो कि गेम है सर्वाइवल आइलैंड इवॉल्व 2। यस गाइस, सर्वाइवल आइलैंड इवॉल्व 2। ये वाला गेम हमारे पिछले वाले गेम के साथ, मतलब जो पिछले वाला हमारा सर्वाइवल आइलैंड इवॉल्व था, उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट गेम होने वाला है। और गाइज, इसके ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छे हैं इसके ग्राफिक्स, ठीक है। तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और गाइज, एक और चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़, आगे वीडियोस आएंगी कि नहीं आएंगी वो तो तुम पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि अगर मेरे को यार अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो वीडियो आएंगी, आगे नहीं मिलता रिस्पॉन्स तो गाइज यार तुम लोग जाके हम मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, सेकंड चैनल की, जिसकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ तो भाई यहाँ इस वाली यहाँ 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 जहाँ जहाँ भी क्या बोलते हैं मेरे चैनल का नाम आ रहा होगा वो नाम तुम लिख कर और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो सेकेंड चैनल पर, ठीक है गाइज। तो उस पर अगर इस पर रिस्पॉन्स नहीं मिला तो उस वाले चैनल पर वीडियोज़ आएंगी, वहाँ से मैं ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे को पता है, मैंने पहले भी यार ये वाला चैनल मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया है और मैंने 4000 तक पहुंचा दिया है, ठीक है। वो वाला चैनल भी मैं ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा हूं और मेरे को पता है अगर मैं रेगुलरली उस पर काम करता रहा तो वाला चैनल इससे ज़्यादा ग्रो हो जाएगा, लिटरली इससे ज़्यादा ग्रो हो जाएगा वो वाला चैनल। क्योंकि गाइज वो वाला चैनल अभी न्यू है और ये वाला चैनल 2-3 साल पहले डेड हो चुका है। यस गाइज, और डेड क्यों हुआ है तुम लोगों को भी पता ही होगा कि मैं ज़्यादा करके लास्ट डे रोज सर्वाइवल सी खेलता था, ठीक है, और बीच में न्यू गेम्स डालता था, न्यू गेम्स की वीडियोस डालता था, बट ऑडियंस देखती नहीं थी, मतलब उतना ज़्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं आता था। कभी कभार अच्छा रिस्पांस मिल जाता था, कभी कभार डिसेंट से भी नीचे रिस्पॉन्स मिल जाता था, बट मैं फिर भी वो ट्राई करता रहा क्योंकि वो चीज़ मेरे को पसंद आ रही थी। मैं एक ही गेम खेल के बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था, लिटरली अगर मैं सच बताऊँ तो LDRS मैंने जब मतलब स्टार्टिंग में मैंने जब खेला था, पुरानी वीडियोस उठा लेना, जब मैं स्टार्टिंग में LDRS खेल रहा था, ठीक है, उस टाइम पे मेरे को उसको मज़ा आ रहा था खेलने में। जैसे जैसे उसके बाद आई थिंक जैसे जैसे मैंने उसकी वीडियोस डालना शुरू किया तो फिर क्या हुआ गाइस, मन उठ गया उससे। क्योंकि यार हर रोज़ यार तुम एक नया सर्वर स्टार्ट करो, 15 दिन के बाद एक नया सर्वर स्टार्ट करो, फिर से वही काम दोबारा करो, तो वो रिपीटेड ही हो रहा था, ठीक है, वो रिपीटेड ही चल रहा था। तो ये फिर मैं बोर हो गया था उस गेम से। तो अब तुम्हें पता ही है कि मैं यार मेरा जो भी कंटेंट है यार, मैं क्या बोलते हैं, मैं जितने भी वीडियोज़ होंगी तुम लोगों ने देखी होंगी पुरानी वीडियोज़, मैं उनमें एनर्जी से वीडियोज़ बनाता था। और एक रीज़न ये भी है कि उनमें तब भी व्यूज़ आते थे, बट यार जैसे मैं उसमें बोर होना चालू हो गया, मैंने न्यू गेम चालू, मतलब मैं ज़्यादा करके फिर न्यू गेम्स खेलने लग गया, तो ऑडियंस को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आने लग गया, तो उन्होंने यार मेरे को देखना ही बंद कर दिया। उन्होंने ऐसे हाथ दिखा के मेरे से भाई बोला कि भाई तू न्यू गेम खेल, हम जा रहे हैं, हम नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो मेरी ऑडियंस ने ऐसे ही मेरे को बाय बाय कर दिया और वो चले गए। बट यार कुछ बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जिन्होंने यार भाई मैसेज किए डिस्कॉर्ड वगैरह इंस्टा वगैरह पे, जब मैं वो स्टोरीज डाली थी इसकी क्या बोलते हैं
अनमोनेटाइज सॉरी डिमोनेटाइज की स्टोरी डाली थी, तो बहुत सारे अलग लोग थे, कुछ लोग थे जिन्होंने मेरे को डिस्कॉर्ड पे और इस पे इंस्टा पे मैसेज किए थे, तो उनका यार दिल से शुक्रिया। जो बस ऐसे बंदे हैं जो कि मेरे को यार स्टार्ट से ही सपोर्ट करते हैं, तो उनका यार दिल से शुक्रिया। तो ऐसे लोग यार हमेशा याद रहते हैं। अगर तुम लोग ग्रो भी हो जाते हो और नहीं भी होते, तो ऐसी जो ऑडियंस है जो मतलब तुम्हारी स्टार्ट में तुम्हारे साथ खड़ी होती है, अगर तुम्हारा एंड भी मतलब जब तुम ग्रो कर जाते हो तब भी वो तुम्हें याद रहते हैं कि भाई ये वाला बंदा था जिसने मेरे को स्टार्टिंग से सपोर्ट किया था। ठीक है, अगर तुम ग्रो भी नहीं हो जाते हो, अगर यूट्यूब तुम छोड़ भी देते हो, बट कहीं ना कहीं तुम्हारे दिल में उनके लिए रिस्पेक्ट होती है। ठीक है, क्योंकि वो बंदे तुम्हारे उस टाइम पे स्टार्ट थे जब तुम्हारे पास उतनी ऑडियंस बेस नहीं था। ठीक है, ऑडियंस नहीं थी, वो बंदे तब से तुम्हारे साथ हैं, तो और फिर तुम उनके साथ ना एज थोड़ा बहुत फ्रेंड हो, मतलब क्या बोलते हैं, तुम्हारा उनके साथ एक बॉन्ड हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे बंदे हैं जिनके साथ मेरा बॉन्ड था, जो मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स थे, बट कहते ना हर कोई काम नहीं आता टाइम पे, हर कोई काम नहीं आता। ठीक है, बहुत कम लोग होते हैं जो टाइम पे काम आ जाते हैं, बट हर कोई टाइम पे काम नहीं आता। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा इंट्रो बड़ा हो गया, आई थिंक 6 से 7 मिनट का तो इंट्रो ही होने वाला है। तो बहुत टाइम के बाद वीडियो डाल रहा हूँ और उसके बाद भी इंट्रो इतना ज़्यादा लंबा होने वाला है, कसम से मेरे को जूते पड़ने वाले हैं तो हमसे हम लोगों से। तो चलो गाइस सर, आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो गाइस सर, ये वाला है वो गेम जिसकी मैं बात कर रहा था, सर्वाइवल आइलैंड इवॉल्व 2। और लिटरली गाइस सर, इसके ग्राफिक्स पहले वाले जो सर्वाइवल आइलैंड था ना उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, थोड़ा रियलिस्टिक बनाया गया है और बाकी भी अच्छी चीज़ें बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और इसको भाई एक्सप्लोर करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि इसका जो मैप है ना गाइज, लिटरली यार बहुत ज़्यादा बड़ा मैप है इस गेम का। तो अभी फ़िलहाल के लिए हमें थोड़ा सा इसका ट्यूटोरियल्स वगैरह भाई स्टार्टिंग के, तुमको पता ही है सर्वाइवल्स गेम में भाई क्या क्या मतलब दिमाग ख़राब होता है। ठीक है, तो वही स्टार्टिंग के ट्यूटोरियल्स वगैरह हैं कि तुम लोगों को कहाँ से वुड इकट्ठा करना है, कहाँ से भाई स्टोन इकट्ठा करना है, कैसे तुम लोगों को एनिमीज़ को मारना है, कैसे तुम लोगों को भाई खाना इकट्ठा वगैरह जो भी है। ठीक है गाइज, तो इसमें वही स्टार्टिंग के ट्यूटोरियल्स वगैरह हैं जो कि हमें पहले कंप्लीट करने हैं, उसके बाद ही हमारा जो गेम है हम अपने हिसाब से खेल पाएंगे, वरना भाई हमें गेम के हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए यार हम जो बॉक्स वगैरह था यहाँ से हमने लूट वगैरह तो ले लिया है। और गाइस सर, इसकी जो डाउनलोड लिंक है तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो भाई। और मुझे बता देना अगर तुमको अगर क्या बोलते हैं गेम पसंद आता है तो मुझे ज़रूर से यार कमेंट में ज़रूर से बताना। ठीक है, मैं चाहता हूँ अगर तुम लोग यार ये वाला गेम भी ट्राई करो, थोड़ा एक्सपीरियंस करो न्यू गेम्स के, तो उससे होता क्या गाइस सर, थोड़ा हम बोर नहीं होते। ठीक है, अगर तुम कोई एक गेम भी खेलते हो तो उससे तुम बोर नहीं होगे, न्यू न्यू गेम्स ट्राई किया करो। और लिटरली गाइस यार मैंने बहुत सारे गेम्स ट्राई किए हैं, गेंशिन इंपैक्ट हुआ, गेंशिन इंपैक्ट 30 GB का गेम है भाई, 30 GB का गेम मैंने इस वाले लुल फ़ोन में ट्राई किया है, 30 GB का गेम भाई, बहुत ज़्यादा बड़ा गेम है वो। और उसके बाद मैंने अभी न्यू गेम आया था वेदरिंग वेव करके, वो गेम मैंने ट्राई किया, बट गाइस सर वो गेम बहुत ज़्यादा है लैग होता है। ठीक है, वो गेम बहुत ज़्यादा लैग होता है। तो अभी हम मैन अपना जो भैया गेम है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल अपन एक जगह आ चुके थे और यहाँ पर हमने यार कुछ थोड़ा बहुत अपने स्ट्रक्चर वगैरह बनाए, और यहाँ पर हमने एक स्टोरेज बॉक्स लगाना था, क्योंकि बेसिकली यार हमारी जो भी क्या बोलते आइटम वगैरह है ना वो यहाँ अपन इसमें रख सकते हैं, उसके काम आ सकता है। ठीक है, और गाइस यार अगर मेरा थोड़ा सा इन क्या बोलते हैं इसको यार कमेंट्री थोड़ी ऊपर नीचे लग रही होगी ना भाई, सॉरी लिटरली यार भाई बहुत टाइम के बाद वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उसमें तुम लोग को थोड़ा डिफरेंस तो दिखेगा ही ना, डिफरेंस तो दिखना ही होगा ना, मतलब दिखेगा ही ना, क्या बोल रहा हूँ मैं यार, तो डिफरेंस तो होगा ही ना गाइस, क्योंकि यार भाई 1.5-2 साल बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और इतने में तो भाई तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी बदल जाती है, तो मेरा इंट्रो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे नहीं, सॉरी मेरा कमेंट्री थोड़ी ऊपर नीचे नहीं हो सकती क्या। तो यहाँ पर हमें यार मिशंस वगैरह दिए गए हैं जो कि एनिमीज़ आर क्लोज़र, तो अभी एनिमीज़ हमारे क्लोज़र है, कहाँ पर हैं भाई कहाँ, अच्छा ये इसको हम कलेक्ट कर सकते हैं, ओके ये स्टोन है, नाइस, ओके तो हमें इनको मारना है, ये गया, 2 को मारना है ना, ये दूसरा गया, चलो हमारा मिशन भी कम्प्लीट हो चुका है। पर गाइस सर गेम के ग्राफिक्स तुम लोग देख सकते हो, लिटरली काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स है, और ये गेम यार 100 MB के आसपास का ही है। ठीक है, और उस हिसाब से गेम के ग्राफिक्स काफ़ी अच्छी है, तो
तो यहाँ पर हमें यार इस वाले को भी रिपेयर करने के लिए बहुत सारा सामान चाहिए, और ये सब जब जो बनेगी यार सर्वा क्या बोलते हैं हमें एक्सप्लोरर से मिलेंगे। ओके, यहाँ पर चेस्ट था जिसके अंदर हमें अपना आर्मर वगैरह मिला है जो कि हमें हेल्प करेगा आगे सर्वाइव करने के लिए। थैंक यू भाई, जिसका भी ये घर था, थैंक यू भाई। ऊपर देख लेते ऊपर हमें अगर कुछ मिलता है कि नहीं। ओके, तो यहाँ पर फिलहाल तो कुछ नहीं है भाई, नीचे फेंक दिया हमें वापस से। इसमें है कुछ? अच्छा, ये अपना ही है यार, क्या पागल बंदा हूँ मैं। मैं सबसे पहले यार अपना थोड़ा बहुत सामान मैं इसमें डाल देता हूँ, क्योंकि यार मेरी इन्वेंट्री भाई उतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है। ओके, ये एनिमीज है ना? यस यस, ऐसा हमें इसको भी मारना है भाई। यार इसकी शक्ल काफ़ी अजीब दिख रही है भाई, गोरिल्ला जैसा दिख रहा है यार लिटरली। ओके, इससे भी हम चीज़ें कलेक्ट कर सकते हैं। ओके नाइस, मैं थोड़ा सा सेंसिटी इसकी बढ़ा देता हूँ। उस वाले गेम में भी मेरे को थोड़ा सेंसिटी का इश्यू लग रहा था, बट ये वाले गेम में मेरे को उतना ज़्यादा सेंसिटी का इश्यू नहीं लग रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत इन्होंने तो फिक्स किया है, और गेम के ग्राफिक्स भी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने इसमें इंक्रीज़ कर दिए हैं, और लिटरली यार गेम का जो भी स्ट्रक्चर वगैरह है, टेक्सचर वगैरह है, वो भी काफ़ी अच्छा है इस वाले गेम में, मतलब इसमें। ओके, कुछ मिशंस वगैरह अपन आज कंप्लीट कर लेते हैं, बाकी तो आज का वीडियो उतना मतलब क्या बोल ज़्यादा हम एक्सप्लोर करने वाले नहीं है। आज का वीडियो थोड़ा कमबैक वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो ओके, तो आसपास देख लेते हैं गाइस थोड़ा एक्सप्लोर करके। ये क्या है भाई? भाई ये क्या हमला भी करता है यार? ओके, अबे एक हिट, अभी एक पड़ गई, नाइस, मर गया। तो हम देख लेते हैं आसपास। ओके, हमारा एक मिशन तो कंप्लीट हो चुका है, अभी हमें एक और करना है जिसके लिए हमें दो बंदों को मारना है भाई। एक तो हमारा बकरा ये बन गया। ओके, ये भी गया, अभी हम इस पे चलते हैं, ये भी गया। तो चलो गाइस, हमारा दूसरा मिशन भी कंप्लीट हो चुका है, तो हमें मिशंस मिलते रहेंगे, मतलब क्वेस्ट मिलते रहेंगे, हमें उसके हिसाब से भी अपने गेम को खेलना है, मतलब खुद भी अपन अपने हिसाब से खेल सकते हैं, बट हमें क्वेस्ट भी कंप्लीट करते रहना है। तो ओके, इसमें क्वेस्ट वगैरह है, और गाइस तुम लोग देख लो भाई मैप कितना बड़ा है। ठीक है, तो भाई लिटरली बहुत ज़्यादा मैप बड़ा है, और हमें हर आइलैंड को अलग अलग जाके एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो इसमें आइलैंड बहुत ज़्यादा है, और तुम लोग देख सकते हो ये वाला आइलैंड ही कितना ज़्यादा बड़ा आइलैंड है। अभी तो मैंने पूरा एक्सप्लोर भी नहीं किया, तो अभी मुझे घंटा पता नहीं है कि ये वाला आइलैंड कितना ज़्यादा बड़ा आइलैंड है। तो हमें यार धीरे धीरे बाकी चीज़ों को भी एक्सप्लोर करना है। और गाइस यार इसमें जो तुम्हारी जो रेसिपी वगैरह वो कैसी ओपन होती हैं, इसमें तुम्हारे जो लेवल्स हैं वो मैटर करते हैं। जैसे जैसे तुम्हारा लेवल्स वगैरह बढ़ेंगे, वैसे वैसे तुम्हें पॉइंट्स मिलेंगे, तो उन पॉइंट्स से तुम नेक्स्ट जो भी चीज़ें हैं वो तुम लोग अनलॉक करके बना सकते हो। ठीक है, तो इसका थोड़ा जो मैकेनिक्स है वो हमारे आर्क सर्वाइवल की तरह है, तुम्हें पता ही है, उसमें भी तुम लोगों को लेवल वगैरह बढ़ाने पड़ते हैं, तभी जाके तुम फिर क्राफ्टिंग के लिए मतलब क्राफ्ट करने के लिए बाकी चीज़ें ओपन कर सकते हो, इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो सेम इसका भी वही क्राफ्टिंग सिस्टम है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए गाइस आज के लिए इतना ही था, आज हम बस थोड़ा अपना कमबैक वाला वीडियो बनाने वाले थे। फिलहाल अगर इस वाले वीडियोस पे हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो वीडियोस कंटिन्यू रहेंगी, नहीं मिलता है तो गाइज़ नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में हमारी सेकंड चैनल के लिंक मिल जाएगी, Zoro F2। ठीक है, तो जाके उस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तो शायद से यार वो वाले चैनल पे फिर हमारी सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। तो आई होप तुमको आज का वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा ज़रूर से लाइक कर देना, और जितने भी भाई न्यू है तुम्हारी मर्ज़ी है, अगर तुम लोगों को सब्सक्राइब करना है तो भाई सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मैं मिलता हूँ किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए यार गुड बाय।